अज साडी टीम वालों एक रियलिटी चैक किया गया जिहदे विच सिक्योरिटी नूं लै के नाके दी चैकिंग की गई। पंजाब पुलिस वालों वड्डे वड्डे दावे किए जाते हैं सुरक्षा को लैके, पठानकोट की जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। शहर में सुरक्षा को लेकर शहर की जगह जगह पर पुलिस द्वारा चौकियां बनाकर और बैरिकेड लगाकर नाके लगाए गए हैं ताकि शहर में आने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी निगाह रहे। खासतौर पर इन नाकों पर रात के समय पुलिस कर्मियों का होना अति आवश्यक होता है क्योंकि रात के समय ही चोर और अन्य शरारती तत्व अप्रिय घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसके लिए पुलिस की पैनी नजर होना जरूरी है। नमस्कार, तुम सब देख रहे हो 7C न्यूज़ चैनल। 7C न्यूज़ चैनल तुहाडे लई लिया रहा भरोसेमंद खबरां ते अज साडी टीम वालों एक रियलिटी चैक किया गया जिहदे विच सिक्योरिटी नूं लैके नाकियां दी चैकिंग की गई जिहदे विच ना तां कोई अधिकारी सी ना कोई कर्मचारी सी। वहीं 7C न्यूज़ की टीम की ओर से हिमाचल प्रदेश से पंजाब में दाखिल होने वाले हाईवे पर मौजूद पहले नाके पर रात के समय निरीक्षण किया गया तो वहां पर कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। हालांकि ये पुलिस का नाका ममून कैंट पुलिस स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर है पर फिर भी यहां पर कोई भी पुलिस अधिकारी रात के समय मौजूद नहीं था। और वहीं पठानकोट शहर के डलहौजी रोड पर स्थित सिंबल चौक पर बने पुलिस नाके पर भी रात के समय कोई भी पुलिस कर्मी वहां तैनात नहीं था। पंजाब पुलिस वालों बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सुरक्षा को लेकर, पठानकोट की जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वहीं ममून कैंट थाने के पास लगे नाके से लेकर गांधी चौक पठानकोट तक कोई भी पुलिसकर्मी रात के समय नजर नहीं आया जिससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात के समय पठानकोट के लोग कितने सुरक्षित हैं। पठानकोट तो कैमरामैन हनी दे नाल अजय सैनी की रिपोर्ट 7C न्यूज। अज साडी टीम वालों एक रियलिटी चैक किया गया जिहदे विच सिक्योरिटी नूं लैके नाकियां दी चैकिंग की गई। पंजाब पुलिस वालों वड्डे वड्डे दावे किए जाते हैं सुरक्षा को लैके, पठानकोट की जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। शहर में सुरक्षा को लेकर शहर की जगह जगह पर पुलिस द्वारा चौकियां बनाकर और बैरिकेड लगाकर नाके लगाए गए हैं ताकि शहर में आने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी निगाह रहे। खासतौर पर इन नाकों पर रात के समय पुलिस कर्मियों का होना अति आवश्यक होता है क्योंकि रात के समय ही चोर और अन्य शरारती तत्व अप्रिय घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसके लिए पुलिस की पैनी नजर होना जरूरी है। नमस्कार, तुम सब देख रहे हो 7C न्यूज़ चैनल। 7C न्यूज़ चैनल तुहाडे लई लिया रहा भरोसेमंद खबरां ते अज साडी टीम वालों एक रियलिटी चैक किया गया जिहदे विच सिक्योरिटी नूं लैके नाकियां दी चैकिंग की गई जिहदे विच ना तां कोई अधिकारी सी ना कोई कर्मचारी सी। वहीं 7C न्यूज़ की टीम की ओर से हिमाचल प्रदेश से पंजाब में दाखिल होने वाले हाईवे पर मौजूद पहले नाके पर रात के समय निरीक्षण किया गया तो वहां पर कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। हालांकि ये पुलिस का नाका ममून कैंट पुलिस स्टेशन से महज 50 मीटर की दूरी पर है पर फिर भी यहां पर कोई भी पुलिस अधिकारी रात के समय मौजूद नहीं था। और वहीं पठानकोट शहर के डलहौजी रोड पर स्थित सिंबल चौक पर बने पुलिस नाके पर भी रात के समय कोई भी पुलिस कर्मी वहां तैनात नहीं था। पंजाब पुलिस वालों वड्डे वड्डे दावे किए जाते हैं सुरक्षा को लेकर, पठानकोट की जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वहीं ममून कैंट थाने के पास लगे नाके से लेकर गांधी चौक पठानकोट तक कोई भी पुलिसकर्मी रात के समय नजर नहीं आया जिससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात के समय पठानकोट के लोग कितने सुरक्षित हैं। पठानकोट तो कैमरामैन हनी दे नाल अजय सैनी की रिपोर्ट 7C न्यूज़।